असलम जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे तमाम इंसान तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं तो आज हमने सोचा कि अरबियन रेसिपी जो है वो तैयार करें और आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए चिकन मंदी ठीक है चिकन मंदी जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है सिंपल होती है लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होती है ठीक है और आज इसके साथ साथ हमारे पास सब रोसो जो है वो भी मौजूद है सब रोसो के आपको पता प्रोडक्ट बेहतरीन है, है पाकिस्तान के बेहतरीन ब्रांड और अब इनकी एक नई प्रोडक्ट आ गई है मार्केट में जिसको आज मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ वो है चिकन चीज़ पराठा जी घर बैठे आप पिज़ा टाइप चीज़ का मज़ा ले सकते हैं और चिकन चीज़ पराठा जो है ये आज मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ एक हम सॉस तैयार करेंगे जो चिकन मंदी के साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप चिकन चीज़ पराठा जो शब्रोसों का है उसके साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आज के प्रोग्राम में 11 से 12 बजे तक आपने इसको गौर से देखना है और अगर कुछ मिस हो जाए तो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जी टी वी फूड उस पर आप जा सकते हैं और जाकर वहाँ से पुरानी और नई रेसिपीज़ और रेमडीज़ सारी चीज़ें शामिल जो है आप कर सकते हैं आप हासिल कर सकते हैं साथ में आज कल मौसम ठंडा हो गया और मैं आजकल जो इस मौसम में फल आते हैं फ्रूट्स आते हैं उनके बारे में और जो वेजिटेबल्स आती हैं उनके बारे में आजकल बात कर रहा हूँ और उसके फ़वाद के बारे में बात कर रहा हूँ तो सिंगाड़ा हमेशा हम पंसारी की दुकान से लेते हैं उसका पाउडर बनाते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस वक्त ताज़ा ताज़ा सिंगाड़ा जो है ना वो मार्केट में आ चुका है और आज की जो रेमेडी है वो हमारे पास सिंगाड़ा और सिंगाड़े के क्या फ़वाद हैं उसके बारे में आप जो है आ, समझ सकते हैं सीख सकते हैं और जब तक ये मौसम में है खूब खाएं बच्चों को खिलाएं और अपने आप को तरोताज़ा और ताकतवर बनाएं ठीक है जी चलते हैं स्टार्ट करते हैं मंदी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा एक चिकन और साबुत चिकन है और ये भी खाल वाली चिकन है ठीक है जी ये हमने इस्तेमाल करना है और इसको हमने कैसे तैयार करना है आइए चलते हैं मसाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए कि अरबियन स्टाइल है तो अरबियन स्टाइल के लिए अरबियन फ्लेवर होना ज़रूरी है ठीक है जी इसके लिए हमने लेना है तलहार मिर्च पाउडर ठीक है जी ये हम लेंगे तकरीबन दो चाय के चमचे जिसको मैं आ, पैपरे का जो हम कहते हैं ना वो पैपरे का ही समझ लें ये तल्हार मिर्च पाउडर जो है उसकी जगह पर इस्तेमाल होता है इसलिए कि पैपरे का अगर आप तलाश करने जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर पैपरे का मिलता नहीं है तो उसकी जगह पर आप तलाहार मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं एक चुटकी आपने थोड़ा सा इसमें कलर डाल लिया दो चाय के चमचे आपने इसमें नमक ऐड कर दिया पिंक सॉल्ट ठीक है और काली मिर्च कुटी हुई एक चाय का चम्मच और फोर स्पाइस या गरम मसाला फोर स्पाइस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो गरम मसाला फोर स्पाइस होता क्या है वो भी बता दूंगा इन ठीक है तो इन खानों के अंदर इस्तेमाल होता है तो गरम मसाला दो चाय के चम्मच ठीक है और इसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन दो खाने के चम्मच के करीब ठीक है और इसके साथ इसमें जाएगा नींबू का रस दो से तीन चाय के चम्मच ठीक है जी ये इसके फ्लेवर को भी बढ़ाएगा और खुशबू भी पैदा करेगा चंद कतरे इसमें आपने डालना है केवड़ा एसेंस के ठीक है चले जी अब आपकी चिकन की मैरिनेशन जो है वो तैयार हो गई अब इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास है ये ऑयल ठीक है जी इसको हमने दो से तीन टेबल स्पून ऑयल डाल देना है इसमें और इसे हम करेंगे स्टीम 20 से 25 मिनट स्टीम करेंगे और उसके बाद बेक करेंगे जिनके पास बेकिंग के लिए आ, ओवन नहीं है उनको चाहिए कि वो 35 मिनट स्टीम कर लें एक दरमियानी चिकन छोटी चिकन एक से सवा किलो के अंदर की और उसको स्टीम करने के बाद इसे आप बेक की बजाय इसके ऊपर गरम-गरम ऑयल डाल दें तो ये आपका जो है मंदी की जो चिकन है वो तैयार हो जाएगी हम आप कॉलर हैं अलमकुम जी कैसी हैं आप खरीय का शुक्र मैं का बात कर रही जी कही आ, वो भाई मेरे स्किन का मसला है चेहरे की स्किन पे है कोई क्रीम वगैरह जो कोई चीजें भी इस्तेमाल करती हूँ तो वो इसका असर नहीं कह पर आता है स्किन अच्छा, खराब हो चुकी है स्किन खराब हो चुकी है ठीक है आपने कोई वो जो वो जो केमिकल इस... वाला आ, वो होता है अपना न, आ, क्या कहते हैं क्रीम होती है जो नाम तो मैं नहीं ले सकता उस टाइप की कोई क्रीम इस्तेमाल की भी आपने जी की है अच्छा ठीक है तो अभी क्या चेहरे में प्रॉब्लम अभी आपको क्या आ रही है ठीक है जी तो कोई भी चीज इस्तेमाल करती उसका रिजल्ट नहीं आता है स्किन बहुत खराब हो चुकी अच्छा, है अच्छा धब्बे पड़ गए स्किन के ऊपर धब्बे भी हैं जी धब्बे भी हैं जैसे चली हुई होती है ठीक थी। है लेकिन अब वो मुख्तलिफ किस्म के क्रीमे इस्तेमाल करने की वजह से आपके जो है चेहरे पे धब्बे भी पड़ गए और जी। अब आपके ऊपर जो है ना चेहरे पे कोई क्रीम इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं हो रहा ठीक है ऐसे ही जी। है? कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा नहीं रिज़ल्ट नहीं आ रहा चलें आप टीवी की तरफ चलें मैं बताता हूं ठीक है अच्छा जी सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उदारा ये जो क्या नाम है केमिकल वाली क्रीमें जो होती हैं ना इसमें स्टोरॉइड और साथ में जो पारा होता है ना वो इस्तेमाल होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है तो प्लीज़ ख्याल रखें इस चीज़ का कि ये बाद में जाकर स्किन की प्रॉब्लम तो होती होती है साथ में स्किन का कैंसर भी हो सकता है आपको ठीक है तो प्लीज़ बग़ैर सोचे समझे कोई भी क्रीम जो आपके टी वी एड पर चल रही हो या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही हो उस टाइप की क्रीम को आपने बगैर सोचे समझे इस्तेमाल नहीं करना आजकल बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो आपको बेहतरीन मशवरा देते हैं कि आपके स्किन के हिसाब से कौन सी क्रीम आपके लिए काम करेगी लेकिन अब हो गया है मसला ख़राब ठीक है इसको अब सही करने के लिए जो है आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ जिसके साथ आप अपने स्किन को वापस दोबारा से सही कर सकते हैं रिजल्ट ही आना शुरू हो जाएगा यानी कि ये नहीं होगा कि आप उसको लगाना शुरू करें आप बिल्कुल गोरे हो जाएं, ठीक है ऐसा नहीं होगा ठीक है और रिज़ल्ट के बजाय ये होगा कि आपको आपकी जो स्किन में प्रॉब्लम है पहले उसको आपने सॉल्व करना है ठीक है यहाँ पर हमारे पास चिकन जो है वो हमने इसमें डाल दी और जो बाक़ी मसाला बचा हुआ है ना उसको भी आपने अच्छी तरह से इसके पेट के अंदर लाजमी लगाना है ठीक है और उसके बाद इसके साइडों पर जिसम पर जो बचा हुआ मसाला है वो आपने लेप कर देना है स्टीमर में आपने 20 से 25 मिनट के लिए इसको स्टीम करना है उसके बाद हम इसे बेक करेंगे ठीक है चले जी ये हमारे मंदी का जो चिकन है वो चली गई है बेक होने के लिए आपने लेना है मुल्तानी मट्टी ठीक है मुल्तानी मिट्टी जो है वो आपने लेना है आ, पचास ग्राम ठीक है उसने यूसुफ उसने यूसुफ़ पचास ग्राम ठीक है और ये दो चीज़ें लेने के बाद आपने इसमें बादाम का तेल जो है जो मशीन से निकला हुआ नहीं हो जो गाय चलती है या लोग हाथ से निकालते हैं जिसको कोल्ड प्रेस ऑयल कहलाता है बादाम का तेल ठीक है असली वाला वो आपने लेना है पचास ग्राम ठीक है पचास ग्राम मुल्तानी मिट्टी पचास ग्राम उसने यूसुफ़ ये दोनों चीज़ों का पाउडर और साथ में पचास ग्राम बादाम का तेल ठीक है ये तीनों चीज़ों को आपने मिला लिया एक पेस्ट सा बन जाएगा ठीक है इसके अंदर दो आपने कैप्सूल डालने हैं वाइटामिन ई के फोर हंड्रेड एम जी के दो कैप्सूल उसको दबा के डाल देंगे उसके अंदर ऑयल होता है वो चला जाएगा उसके अंदर ठीक है वो आपने डाल दिया डालने के बाद इसे आपने चेहरे पर रात को लगाना है मिक्स करने के बाद और ये मास्क टाइप का बन जाएगा ठीक है चेहरे पे चिपक जाएगा पूरे गर्दन पे चेहरे पे हर जगह पे ठीक है और इसे आपने रात को लगाना है सुबह नॉर्मल पानी से ठंडा पानी या नॉर्मल पानी जो होता है उससे आपने इसको वॉश कर लेना है लेकिन जो नमकीन पानी होता है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना आपने ठीक है सुबह आपने इसको धो दो लिया धोने के बाद दोबारा इसके ऊपर आपने चेहरे के ऊपर हल्का सा बादाम का तेल हाथ में लेकर ऐसे मिक्स करें और उसके पूरे चेहरे पर लगा लें ये मॉइस्चराइज़ का भी काम करेगा और चेहरे को जो रात भर आपने ड्राई किया है जो मुल्तानी मिट्टी से ड्राई हो जाएगा आपका चेहरा और आपके चेहरे के अंदर जो भी मसले मसाइल हैं उसको ख़त्म करेगा लेकिन दोबारा से उसको रिफ़्रेश करने के लिए थोड़ा सा बादाम का तेल चंद कतरे हाथ में लिया आपने वॉश करने के बाद लगा कर पूरा दिन ऐसे ही रहने दें फिर रात में चेहरा वॉश करें और दोबारा से वापस वही जो पेस्ट है जो मैंने बताया है आपको मुल्तानी मिट्टी पचास ग्राम उसने सूप पचास ग्राम पाउडर दोनों का और उसके अंदर पचास ग्राम जो है बादाम का तेल दो कैप्सूल फोर हंड्रेड के वाइटमिन ई के कैप्सूल ये सारी चीज़ें तीनों चारों चीज़ें मिक्स करके आप रख लें बाहर भी रख लें ख़राब नहीं होगा या फ्रिज में रखना चाहते हैं फ्रिज में रख लें इसका पेस्ट बन जाएगा ये चेहरे पर लेप करें और ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की स्किन में प्रॉब्लम आ गई है ठीक है दोबारा से धब्बे पड़ने लगे हैं चेहरे पे या कोई चीज़ असर नहीं कर रही है इतना ज़्यादा उन्होंने स्टीमली जो है ना इस्तेमाल किया है जो क्या कहते हैं उसको क्रीमें जिसके अंदर एस्ट्रॉइड वगैरह मौजूद होता है और पारा भी होता है इसके अंदर ठीक है जी तो यहाँ पर हमारे पास प्याज हो रही है फ्राई हम बना रहे हैं मंदी के राइस मंदी राइस बनाने के लिए प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है इसके अलावा ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना ठीक है इसके साथ कुछ गरम मसाले साबुत जिसमें लौंग दालचीनी छोटी इलायची वगैरह ये हमने इसमें डाल दिया ठीक है इसको हमने मिक्स किया प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना ठीक है सॉफ़्ट करना है एक दो मिनट तेज़ आंच पर ठीक है सॉफ्ट करने के बाद मैंने साबुत जो है गरम मसाले डाल दिए इसके बाद दो खाने के चम्मच मैं इसमें डालूँगा अदरक और लहसुन का पीस ठीक है ये हमने डाल दिया इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा मसाले पेपरिका पाउडर दो चाय के चम्मच ठीक है तीन खाने के चम्मच चिकन पाउडर या दो क्यूब चिकन के ठीक है ये राइस के लिए ठीक है एक चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे और फोर स्पाइस या गरम मसाला दो चाय के चम्मच ठीक है ये हम डालेंगे नमक दो चाय के चम्मच ठीक है जी ये हमने डाल दिया उसको किया मिक्स और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा जर्दे का रंग एक चुटकी ठीक है यह हमारा जो राइस है वो थोड़ा सा कलर उसमें आना चाहिए ठीक है जर्दे का रंग मैंने डाल दिया और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगा पानी पानी आ गया एक लीटर पानी और अब मैं डालूंगा इसमें गाजर अब डाल रहा हूँ गाजर ये गाजर को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है और वो भी बारीक स्लाइस हुई हुई दो गाजर हैं छोटी और दो शिमला मिर्चें वो भी स्लाइस में बारीक, ठीक है ये हमने बाद में डालना है लास्ट में इसको आपने किया मिक्स और फौरन इसके अंदर आपने राइस शामिल कर दी है। ठीक है राइस अगर सेला में बना रहे हैं दो घंटे पहले आपने इसको जो है बॉईल करके अपना भिगो के रखना है धोने के बाद और अगर बासमती है तो आधे घंटे पहले ठीक है को कर देंगे मिक्स चलें जब ये रेसिपी हमारी फ़ाइनल फूल राइस फूल कर ऊपर आ जाएंगे तो हम चंद कतरे इसमें केवड़ा आसन डालेंगे और इसके साथ लीमू का रस डालेंगे दो खाने के चम्मच तो ये फ़ाइनली हमारे जो राइस हैं मंदी राइस वो तैयार हो जाएंगे और उसके बाद चिकन को हम बेक करेंगे और मंदी राइस को हम बिछाएंगे एक बड़ी प्लेट के ऊपर सेंटर में चिकन रखेंगे और उसके बाद हमने इसको सर्व कर देना है तो ये है मंदी राइस का बेसिक जो तरीका वो आपने समझ लिया होगा और वापस आने के बाद ब्रेक से हम बनाएंगे आपके लिए सबरोसों का चिकन चीज़ पराठा ठीक है उसके साथ मंदी और पराठे के साथ इस्तेमाल करने के लिए एक चटनी जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारे मंदी के साथ भी इस्तेमाल होती है और मैं सोच रहा हूँ पराठे के साथ भी आप इस्तेमाल है इसलिए कि हम पाकिस्तानियों की आदत होती है कि हम पिज़्ज़ा हो कुछ भी हो उसके अंदर लाजमी जो है ना सॉस इस्तेमाल करते हैं या कैचअप इस्तेमाल करते हैं या कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं तो मैंने सोचा कि एक सॉस बना देते हैं ताकि आप पराठे के साथ सब रोज़ों के चिकन चीज़ पराठे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको आप मंदी राइस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतरीन रेसिपी है और सिंपल है इसके अंदर ऑप्शंस में औरिगानो रोज़मेरी ये भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो ड्राई वाला भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए लेकिन प्लीज़ खुदारा लाल मिर्च कुटी हुई या किसी भी वो ना डालें हल्दी ना डालें इस टाइप की चीज़ें ना डालें वरना फिर फ्लेवर आपका जाता रहेगा छोटा सा ब्रेक फिर वापस आते वेलकम बैक नाजरीन और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार अरेबियन चिकन मंदी जो है वो तैयार हो रही है राइस हमारे बन रहे हैं यहाँ पर और दूसरा जो हमने स्टीम किया था चिकन को उसको अब हमने रख दिया है बेक करने के लिए ताकि स्टीम होने के बाद जब बेक होगा तो अंदर तक कच्चा रहने का कोई डर नहीं होगा लेकिन अगर आपके पास बेकिंग वो ओवन नहीं है तो फिर आपने उसको पैंतीस मिनट के लिए बेक करना है वो स्टीम करना है और स्टीम करने के बाद आपने गरम ऑयल करके उसके ऊपर जैसे हम किसी को शावर देते हैं ना नहला देते हैं इस तरह से आपने शावर दे देना है तो बेहतरीन से आपके जो है ना चिकन जो है वो तैयार हो जाएगी मंदी वाली ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बेक करें दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास ओवन है माइक्रोवेव सॉरी माइक्रोवेव है तो उसके अंदर आप इसे तकरीबन पैंतीस मिनट स्टीम करने के बाद पाँच मिनट के लिए इसे उस पर ऑयल लगा कर ओवन के अंदर माइक्रोवेव में चला दें उससे भी ये इस पर कलर आ जाएगा थोड़ा ठीक है तो लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कार ओवन का है लेकिन दूसरा तरीकाकार ऑयल का ड्रेन करना इसके ऊपर गर्म ऑयल डालना और तीसरा जो है माइक्रोवेव तीन ऑप्शन आपको मैंने दे दिए हैं इसमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आ जाते हैं एक और हमारी मज़ेदार रेसिपी सबरोसो पराठे तो हम खाते ही हैं फ़्रोज़न पराठे मुख्तलि तरीके से लेकिन सब ने कमाल किया और बहुत ही आला जो है ना चिकन चीज़ पराठा यानी कि जिन लोगों को फौरी तौर पर कोई ऐसी डिश चाहिए जो हम चाहते हैं कि यार वो उसमें फ्लेवर भी हो और कंप्लीट जो है ना टेस्ट भी हो उसके अंदर पराठा बना लिया फिर सालन बनाना है या कौरमा बनाना है या कीमा बनाना है या किसी और चीज़ के साथ चटनी के साथ खाना है तो ये आपके लिए सबरोसों ने पेश कर दिया है बेहतरीन और शॉप सबरोसो डॉट पी के ये वेबसाइट है सबरोसो की शॉप सबरोसो डॉट पी के ये वेबसाइट है यहाँ पर आप अपने ऑर्डर भी बुक करवा सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे जो है आप सबरोसो की प्रोडक्ट जो है आप मंगवा सकते हैं घर बैठे ठीक है तो ये भी एक आसानी हो गई सबरोसो की तरफ से तो ये आप सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और बेहतरीन प्रोडक्ट से इंजॉय कर सकते हैं चलते हैं स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं सब सबरोसो का पराठा ठीक है जी आ, चिकन चीज़ पराठा और ये आपको पता ही है कि लेयर में होता है और इसको आप आसानी से जो है पैकिंग इसकी बहुत अच्छी होती है लेयर्स में होता है और साथ में इसके ऊपर इस तरह से कवर भी किया हुआ है ताकि एक दूसरे से ये पराठा अलग रहे ये देखिए सफ़ाई के साथ इसको निकाल लें अच्छा बाज़ लोग बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट करके इसे निकालते हैं आपने ज़्यादा सॉफ्ट के चक्कर में नहीं लगना ठीक है और क्या करना है ये टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ बाज ये अक्सर लोग बताते नहीं हैं आपने आँच स्लो रखनी है और पराठे को एक तरफ आराम से डाल दिया आपने ठीक है और दूसरी तरफ जब ये थोड़ा सा सॉफ़्ट हो जाए फिर दूसरी तरफ पलट लिया फिर जाकर इसको आपने तैयार करना है तो इससे आपके पराठे आसानी से और ठीक बनेंगे वरना बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट करने के बाद पराठा एक दूसरे के साथ चिपक जाता है निकालने में प्रॉब्लम होती है और जो नए लोग हैं ना जो बिल्कुल ही अभी कुकिंग में नए नए आए हैं तो उनके लिए बड़ी मसले मसाइल भी हो जाते हैं ठीक है तो आपने ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है कि इसको कड़क निकालें फ्रिज से और इसको हल्की आंच पर जो है ना उस पर आप डाल दें ये देखें पानी छोड़ रहा है पराठा खुद ब खुद ठीक है इसको आप आराम से पकने दें ठीक है स्लो आंच पर जल्दी किसी बात की नहीं है हमने जाना कहीं नहीं है ठीक है अब मैं आता हूँ चटनी की तरफ चटनी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मंदी वाली चटनी है और ये हम मंदी के लिए भी बना रहे हैं और साथ में ये हमने जो है सबरोसे के पराठे के साथ भी हम इसको इंजॉय कर सकते हैं ठीक है तीन मैंने लिए छोटे टमाटर ठीक है ये हमने डाल दिया ग्राइंडर मशीन के अंदर ठीक है और इसके अंदर मैंने डाल दिया एक खाने का चम्मच नींबू का रस ये हेलीपिनो है ठीक है जो सिरके वाली हरी मिर्चें होती हैं ये आपने तकरीबन एक खाने का चम्मच जैतून जो है ये एक खाने का चम्मच ठीक है और चीनी एक से डेढ़ चाय का चम्मच ठीक है नमक आधा चम्मच लहसुन के जवे पाँच से छः आदा ठीक है और इसी दौरान ये हमारा अब पराठा सॉफ्ट हो गया ये देख लें आपके सामने बना रहा हूं मैं कोई अलग से तैयार नहीं कर रहा मैं ठीक है ना ये सारी चीजें हो गई उसके बाद आपने डालना है जैतून का तेल दो खाने के चम्मच ठीक है और अगर जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ठीक है ये जो मैं बना रहा हूँ ये ओरिजिनल स्टाइल है आ, मंदी के जो आ, वो होता है चटनी ठीक है बहुत ही टेस्टी तकरीबन ये जो एक सालसा होता है ना उस टाइप का टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेगा ठीक है ना चलें ये आपका पराठा हो गया सॉफ्ट अभी आराम आराम से हम इसे दोनों तरफ से सेक लेते हैं और इसके लिए चटनी को आप थोड़ा सा दानेदार चटनी हो होनी चाहिए ज़्यादा पीसें मत इसे ठीक है और ये आप देख सकते हैं बहुत ही आला आला अच्छा अगर चाहें तो आप इसमें वैसे रेस्टोरेंट वाले तो कलर डाल देते हैं थोड़ा सा रेड करने के लिए लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है आप आर्टिफिशियल कलर वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं बेहतरीन आपकी चीज़ है मौजूद जब तो क्या ज़रूरत है ठीक है जी चलें यहाँ पर हमारे पास आराठा पराठा चिकन चीज़ पराठा ये देख लें अब देखा आपने सबर तहमुल का जो नतीजा होता है वो हमेशा अच्छा होता है ठीक है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ जल्दबाजी में करने की ज़रूरत नहीं है आराम से करें ठीक है तो आपको उसका रिज़ल्ट बेहतरीन मिलेगा ठीक है देख लें बेहतरीन पराठा खूबसूरत सा ठीक है अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं अगर यही आपने थोड़ी सी जल्दबाजी में पराठे को आपने वो कर दिया क्या नाम है बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट कर दिया अभी मैं इसको आपको काट के भी दिखाऊँगा प्रोग्राम के एंड में ठीक है के ये अंदर से फुल चीज़ एंड चिकन और कुछ वेजिटेबल के साथ ये बेहतरीन बना हुआ हमारा पराठा जो है ना आपको मिल रहा है सब रोसों का तो अब बेटाइम की हो बच्चों को लंच बॉक्स के अंदर डाल कर देना हो बड़ों को लंच बॉक्स में डाल के देना हो तो सेफ़ और हेल्दी चीज़ों की तरफ़ जाएं इसलिए कि आजकल आपको पता है बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं तो खुले खुले खुली चीज़ें बाहर की खाने से बेहतर है ये आपको सब रोसों ने एक बेहतरीन चीज़ दे दी है मुकम्मल गज़ा है और चटनी भी बनाना आपको सिखा दी है मैंने छोटे सा कंटेनर आता है प्लास्टिक का उसके अंदर डाल लें और ये आपकी चटनी भी सेफ़ हो जाएगी चटनी खोला और इसके साथ आपने पराठे को वैसे भी खा सकते हैं और फुल ऑफ़ फ्लेवर है मैंने आपको पहले ही बता दिया बाकी लोगों को शौक़ होता है थोड़ा कुछ <laughs> ना कुछ पीज़े के ऊपर जो है ना वो केचप डाल के खाने का या चिली गार्लिक सॉस वग़ैरह ठीक है वो तो आपकी मर्ज़ी है ठीक है यहाँ पर हमारे पास बहुत ही मज़ेदार चिकन चीज़ पराठा तैयार हो रहा है ठीक है जी और अब आप देख सकते हैं बेहतरीन सॉफ्ट कलर और मज़ेदार ठीक है जी इस तरह से आप सख्त बिल्कुल हार्ड वाला ये आपके सामने में डाल रहा हूँ बिल्कुल हार्ड है कड़क हुआ हुआ है लेकिन बस इसकी टेक्निक यही है ऐसे आप ये देखें कितना हार्ड हुआ हुआ है ठीक है इसको आपने डाल दिया आँच दरमियानी रखें थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको पलट लें और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा आखिर में मंदी राइस जो फ़ाइनल जब राइस ऊपर आना शुरू हो जाए तो एक दफ़ा इसको आपने चक्कर लगा देना ताकि राइस ऊपर नीचे हो जाए क्या कलर आया है बेहतरीन सा ठीक है और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँ गोवा केवड़ा एसेंस चंद कतरे और इसको ढक्कन को कर देंगे बंद ठीक है अब दम पे लग गया हल्की आंच पर और इसे तैयार कर लेंगे ठीक है जी इस तरह से आप इसको बना सकते हैं ठीक है दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें मज़ेदार तरीके से और थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते रहें जब तक हमारा पराठा सॉफ्ट ना हो जाए ठीक है हमारा नहीं बल्कि सब रोज़ होगा चिकन एंड चीज़ पराठा जो है ये देख बेहतरीन अब सॉफ्टनेस भी आ गई है कलर भी आना है हल्का सा दबा दिया करें कड़क होता है ना तो, तो नीचे तक लग जाए ठीक है और अब मैं चिकन को भी दिखा देता हूं आपको ये पराठा मैं फ़ाइनल कर लूँ उसके बाद हम चिकन की तरफ चलते हैं चिकन पे ऑयल हमने पहले से लगाया हुआ था ठीक है जो हमने बेटर बनाया था उसी में ऑयल डाला डाल दिया था ताकि वो इकट्ठे ही चला जाए जी नाजरीन तो यहाँ पर ये हमारा चिकन चीज़ पराठा तीसरा वाला भी तैयार हो गया और इसे मैं डिश आउट कर रहा हूँ ठीक है और अब मैं जा रहा हूँ अपने चिकन की तरफ और चिकन पिंग जबरदस्त कलर आ गया है और चिकन हमारी जो है ना खूब गोल्डन कलर के अंदर तैयार तो हो गई है और इसे अब हम राइस जैसे फाइनल हो जाता है उसके बाद हमने इसको निकालना है निकालने के बाद राइस को चारों तरफ बिछा देना है बीच के अंदर चिकन को रखना है सर्व कर देना है तो थोड़ा ड्राई फ्रूट वग़ैरह डाल सकते हैं ये आपकी मर्जी है ठीक है ना मैं हमेशा रिकमेंड नहीं करता हूँ मर्जी है इसलिए कि ड्राई फ्रूट बहुत महंगा हो चुका है छोटा सा ब्रेक फिर वापस हैं वेलकम बैक नादरीन और यहां जो है धमाकेदार खुशबूदार चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है हमने बनाया आपके लिए चिकन मंदी और फुल जो खाल वाली चिकन होती है उसको हमने आपको स्टीम किया बेक किया आपको बताया कैसे कैसे करना है राइस के कलर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और इसको हमने सेंटर में रखा इसके बाद जब सर्व करेंगे तो इसके ऊपर आप चाहें तो मैंने आपसे कहा है कि महंगाई का दौर है तो ड्राई फ्रूट वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्राई फ्रूट इसमें डलता है वो है एक ज़माने में पाकिस्तान में ना ठेलों पे मिला करता था वो ठीक है ना चिलगोज़ा तो अब इतना महंगा हो गया कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ठीक है तो चिलगोज़ा वैसे डाला जाता है लेकिन आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वरना मैंने तो बग़ैर ड्राई फ्रूट के इसको सर्व कर दिया और बेहतरीन टेस्ट है बेहतरीन कलर है बेहतरीन फ्लेवर है सब कुछ बेहतरीन है ठीक है ना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ड्राई फ्रूट का सहारा लें इसके बाद आ जाते हैं सब रोसो चिकन चीज़ पराठा और इसके बारे में मैंने बताया जैसे सादा पराठा हर जगह मिल जाता है लेकिन ये चिकन चीज़ पराठा जिसके अंदर किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और तमाम चीज़ें इसके अंदर फुलफिल हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से वाह ये देख लें आप फुल ऑफ चीज़ देख लें ठीक है जी चीज़ है इसके अंदर चिकन भी है शिमला मिर्च भी है बहुत सारी फ्लेवर भी पूरा पूरा इसके अंदर है लेकिन हमें हाँ कैसे पता चलेगा कि भाई पूरा फ्लेवर है कि नहीं है तो मैं आपको खाने का तरीका ही बताता हूँ ना हमेशा तो <laughs> आ, एक दरमियाना जिसको फ्लेवर कहते हैं ना यानी कि ऐसा फ्लेवर है कि बच्चे छोटे बच्चे भी बड़े भी और बुज़ुर्ग भी यानी कि हर तरह के लोग इसको खा सकते हैं इसमें कोई इतना हैवी किस्म का फ्लेवर नहीं डाला गया जो सिर्फ़ एक ही तबका खा सकता है हर तरह के लोग इसमें खा सकते हैं लेकिन बिल्कुल लाइट भी नहीं है ठीक है हल्का सा जब, जिसको स्पार्क कहते हैं ना टेस्ट का जो जंप है वो आपको मिल रहा है आखिरी जो पराठे का एंड होता है ना वहाँ तक इसका जो फ्लेवर है ना वो प्रॉपर जो है और चीज़ भी पूरी पूरी इसके अंदर आपको मेल्ट हुई भी मिल ठीक है जी देते हैं और इसके साथ मैंने आपसे कहा मंदी वाला जो सॉस होता है वो भी मैंने बना दिया है टमाटर वाला इसमें दो चीज़ें मैंने वो डाली है जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में हम डालते हैं इसमें हेलीपिनो और जैतून अगर आपके पास हेलीपिनो और जैतून नहीं है तो कोई बात नहीं आप सिर्फ टमाटर ले लें लहसुन ले लें नींबू का रस ले लें और इसके साथ आप इसमें जो है जैतून का तेल ये डालकर आपने इसको मिक्स कर लेना थोड़े से पानी के साथ गाढ़ा गाढ़ा इसका जो है ना फ्लेवर बनेगा ये मंदी के साथ भी चलता है ये आप किसी और सॉस में भी यानी कि किसी भी चीज़, चीज़ फ्राइड की चीज़ के साथ या सबरोसों के चिकन चीज़ पराठा जो है ना उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं तो बेहतरीन है छोटे छोटे से आजकल प्लास्टिक के कंटेनर आते हैं जो उल्टे भी हो जाए तो गिरता नहीं है उसमें से उसमें आपने रख कर किसी भी चीज़ के साथ इस सॉस को सर्व कर सकते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में डाल कर दे सकते हैं और ये चिकन चीज़ पराठा तो लाजमी आप बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर दें सिंगाड़ा आ गया आ गया आ गया सम, मौसम चेंज हुआ है मौसम सर्दी की तरफ जा रहा है तो सिंगाड़ा इस, इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश फ्रेश सिंगाड़ा आ गया है और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सीज़न के फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उसको आप लाजमी बच्चों को और बड़ों को खिलाएं इसको खाने के फ़ायदे क्या है कैल्शियम की कमी कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी आपके जिसम के अंदर हर साल अगर आपने इसको एक हफ्ते के लिए भी खा लिया है दो चार दिन के लिए भी खा लिया ठीक है ना बच्चों को भी खिला दिया बड़ों को भी खिला दिया बुजुर्गों को भी खिला दिया वैसे तो ये ड्राई मिलता है बारह महीने बारह महीने इस्तेमाल करें तो कोई मुकाख़ा नहीं है मैंने इसका सबसे बेस्ट तरीका बताया था कि जो सूखा हुआ आ, सिंगाड़ा अच्छी क्वालिटी का जो मिलता है मार्केट के अंदर उसका पाउडर बना लें उसको शामिल कर दें आटे में एक किलो में आप चार खाने के चम्मच सिंगाड़े का पाउडर एक किलो में चार खाने के चम्मच सिंगाड़े का पाउडर डाल दें मिक्स करके रोटी बनाएं, बुज़ुर्ग भी खाएं, बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, लेकिन सबके के जिसम में कैल्शियम और इसके साथ एनर्जी की कमी नहीं होगी बोन्स मजबूत होंगी हड्डियाँ मजबूत करता है कद बढ़ाने के लिए बेहतरीन गजा है ये और कदीम ज़माने से हज़ारों साल पहले से ये चला आ रहा है और इस वक्त ये जो है ना बॉयल्ड हुआ वो आपको मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाता है ठीक है दो किस्म के मिलते हैं कच्चा मिलता है एक बॉयल्ड हुआ होता है तो दोनों तरह से मिल जाते हैं इसको खोलेंगे आप तो इसके अंदर से वाइट कलर का जो है ना एक पीस निकलेगा ये देखें ये आपको मैंने तोड़ा है जैसे कि इसके ऊपर की खाल आ, काली है तो अंदर से ये वाइट कलर का गुदा इसका आपको आपके सामने मैं इसको खोल रहा हूँ ठीक है ये देखना तो इस तरह का ये खाया जाता है ठीक है बहुत सारे लोगों ने सिंगाड़ा शायद पहली दफ़ा देखा होगा तो ये वाइट वाला जो है ना ये खाया जाता है ऊपर का जो काला वाला है नहीं खाया जाता ये छिलका होता है ठीक है और आपने जो ख़रीदना है वो बॉइल्ड वाला ख़रीदना है कच्चा वाला नहीं ख़रीदना अगर कच्चा वाला ख़रीद भी लिया तो कोई मसला नहीं है घर पर ला इसको बॉयल कर लें ठीक है पंद्रह से बीस मिनट बॉयल करें तो ये नरम पड़ जाएगा छिलका और बहुत आसानी से उतर भी जाता है ठीक है और ये बिल्कुल इसको आ, सिंगाड़ा असल में कहा जाता है इसलिए कि बहुत सारी जगहों पे ना जैसे समोसा होता है ना ये समोसे जैसी शक्ल हो इसकी एक दो नोकें होती हैं इसकी ये देखें ठीक है एलियंस टाइप की शक्ल है इसकी <laughs> एलियन जैसी ये देखें ठीक है तो ये एलियन जैसी शक्ल होती है इसकी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है दो नोकें होती हैं इसकी साइडों पर ज़रा बस इस नोकों से एहतियात कीजिएगा जब इसको छील रहे हों आप ठीक है तो बॉयल करके छील कर बच्चों को खुद अपने हाथ से छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों बुज़ुर्ग हों जवान बच्चे हों खुद हों आप ख़वान ख़ासतौर पर जिनके अंदर कैल्शियम की आयरन की कमी हो जाती है उन लोगों के लिए भी बेस्ट चीज़ है जब तक है मार्केट के अंदर अच्छा शॉर्ट टाइम रहता है जैसे कल मैंने आपको बताया था शरीफा ये भी शॉर्ट टाइम के लिए होता है और ये सिंगाड़ा भी शॉर्ट टाइम के लिए होता है ठीक है तो ये बस जब तक आपको मिल रहा है किसी भी ठेले में आपको नजर आए फ़ौरन गाड़ी रोकें मोटरसाइकिल रोकें पैदल जा रहे हैं रुक जाएँ और इसको ख़रीदें और अपना हिफाजत खुद करें दवाइयों से बचें ठीक है ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी जब तक के इजाज़त अल्लाह हाफिज़ बाय एंड चलो